गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में हम मास एंड वेट का डिफरेंस देख रहे थे। वहाँ से वीडियो इंटरप्ट हो गया था, वहीं से शुरू करते हैं हम मास एंड वेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? मास है जो आपका, वो क्या है? मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। क्या चीज़ है? मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। बॉडी के बीच में जो मैटर कंटेन्ड है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मास। और वेट क्या चीज है? इट इज अ फोर्स। वेट क्या चीज है? इट इज अ फोर्स विद विच अ बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कहने का मतलब यह है कि ये एक तरह की फोर्स है जिसके कारण बॉडी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन मास क्या चीज़ है? ये बॉडी के अंदर का मैटर है। बॉडी के अंदर क्या मैटर है? मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। आपकी जो मास की वैल्यू है ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। लेकिन जो वेट है आपका, वेट क्या करेगा? आपका ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा तो वेट भी आपका वहीं पर चेंज हो जाएगा, लेकिन मास की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे आपको पता है ग्रेविटी आपकी हर जगह पर अलग अलग होती है। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी कुछ और है, आपकी स्पेस में ग्रेविटी बिल्कुल नहीं, जीरो है। और अगर मून की बात करें, मार्स की बात करें, तो वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो वैसे ही आपका अगर जी वेरी करेगा, ग्रेविटी वेरी करेगी, तो वेट भी आपका चेंज होगा। लेकिन जो मास है ये इंडिपेंडेंट है ग्रेविटी के ऊपर, ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है ग्रेविटी के साथ। सो ये क्या है? ये कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर मेजर कर लो मास या मून पे कर लो, हर जगह पर इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कांट बी जीरो। ठीक है, मास आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो वेट है इट कैन बी। ठीक है, वेट की वैल्यू आपकी क्योंकि डिपेंड करती है ग्रेविटी के ऊपर, अगर ग्रेविटी आपका जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपका वेट भी जीरो हो जाएगा। This is independent of gravity, so it can't be zero. ठीक है, ये हमेशा इसका कुछ ना कुछ, जो क्योंकि मैटर है, जो बॉडी के अंदर मैटर कंटेंड है वो हमेशा आपका प्रेजेंट रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वेट आपका जीरो हो सकता है, मास आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इट रिजिस्ट मोशन ऑफ बॉडी। क्या करता है ये? बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करता है। लेकिन ये क्या करता है? इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। ठीक है, ये रेजिस्ट करेगा, ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ये प्रोड्यूस कैसे करता है? ड्यू टू, फिर वही चीज है आपका, जी की वैल्यू के कारण। जी की वैल्यू के कारण ये बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये बॉडी के मास के कारण, बॉडी की अपना मास होने के कारण, मैटर होने के कारण बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है आपका? इट्स यूनिट है आपका केजी। जब भी मास की बात करेंगे तो किस में मेजर करेंगे? केजी में। लेकिन जब भी वेट मेजर करेंगे तो उसको किस में करेंगे? हमेशा हम मेजर न्यूटन में। ठीक है, तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है आपके मास और वेट के, सभी को आपने याद रखना है। फर्स्ट वन है आपका, मास इज अ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी, लेकिन वेट क्या है? इट इज अ फोर्स। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, दैट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी। इट कांट बी जीरो, इट कैन बी जीरो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी कैन बी जीरो। इट रिजिस्ट मोशन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की मोशन को रिजिस्ट करता है, लेकिन इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। इट्स यूनिट इज केजी, एंड हेयर इज अ यूनिट ऑफ फोर, आपका वेट क्या है? न्यूटन। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका। अब दोनों के रिलेशन की बात कर लेते हैं, वेट एंड मास का रिलेशन क्या है। हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है आपने, W इज इक्वल टू एम जी होगा। ठीक है,
W अगर किसी चीज़ का वेट निकालना है तो कहाँ से निकालोगे? उसको उसके मास के साथ जी का वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको वेट की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द मास इज 10 kg एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.81 m/s², ठीक है? तो यहाँ से आपको वेट का वैल्यू निकल कर, ये आपका वेट का वैल्यू आ गया। ये आपका यहाँ से मास को आपने जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वेट निकल आएगा। अगर आपने मास निकालना है तो क्या करोगे, वेट को जी के साथ आप डिवाइड कर दोगे तो वहां से आपका मास निकल आएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल जब पोर्शन करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपका हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इसमें आपका स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है? दीज आर ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ठीक है? तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटीज हो गई हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? आपका इसकी एग्जाम्पल अगर लें तो क्या क्या आएगा, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये सारी किस चीज़ की एग्जाम्पल है आपकी, ये सारी है आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? और इसमें टेम्परेचर और स्पीड, तो इनमें अब देखो, आप लेंथ है किसी चीज़ की, लेंथ मेजर कर रहे हैं हम, ये वाली सपोज करो, ये लेंथ हमने मेजर की 3 m, ठीक है? तो अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, ये जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है ये आपका मैग्नीट्यूड है वैल्यू का, ठीक है? मतलब अब लेंथ में हमको क्या चीज़ है, ये देखो मैग्नीट्यूड पता है कि 3 m लेंथ है इस लाइन की, ठीक है? सो ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन बट देर इज नो डायरेक्शन, ठीक है? अब लेंथ को हम कोई डायरेक्शन थोड़ी दे सकते हैं ना, भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? सो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, मास है, कितने केजी है, 5 kg है, ठीक है? तो 5 क्या हो गया आपका, इसका आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है? डायरेक्शन इसमें नहीं आएगी। ऐसे टाइम है 10 s है, तो 10 क्या आ गया इसमें आपका मैग्नीट्यूड। टेम्परेचर है 30 °C टेम्परेचर है, सो दिस इज मैग्नीट्यूड। जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन दी होगी यहाँ पर, वो क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज दैट हैज बोथ, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा उसमें और डायरेक्शन भी गिवन होगी, ठीक है? सो दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है आपकी, फोर्स, ठीक है? फोर्स कितनी लग रही है, 10 N फोर्स लग रही है, ठीक है? तो अब क्या है, फोर्स को ऐसे तो सिर्फ ये आपका क्या आ गया, यहां से फोर्स का आपका न्यूटन, आपका मैग्नीट्यूड पता चल गया कि कितनी फोर्स लग रही है। आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, सपोज करो ये एक बॉडी है तो इसके फोर्स लग रही है तो किस तरफ लग रही है, कहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी फोर्स का। सपोज करो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है? तो फोर्स किस तरफ को लग रही है, दिस डायरेक्शन इन ईस्ट, ठीक है? ईस्ट डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है कितनी, 10 N, ठीक है? ये एरो आपकी डायरेक्शन शो करता है, अगर इस तरफ को लग रही है तो ठीक है, ये क्या आप क्या वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है? कितनी लग रही है, 10 N, ठीक है? तो दोज क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? और इसमें आ सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी है और क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या मतलब क्या है कि आपने कितना मूव किया है। सपोज करो यहां पर आपकी इनिशियल पोजीशन थी और आप यहाँ पर पहुँच गए हो, ठीक है? तो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, ठीक है? कितना मूव किया, सपोज करो आपने 20 m आपने मूव किया, सो दिस इज द
मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे वेलोसिटी है कि किस तरफ को आप मूव कर रहे हैं, कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने मूव किया, तो वहां पर क्या होगा कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो आपका डायरेक्शन शो करेगी, और कितनी वेलोसिटी है ये आपका मैग्नीट्यूड बता रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। अब वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर को लाइन से डिनोट करते हैं, और इसका एरो हेड होता है जो आपका डायरेक्शन बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में है, जो आपका जो फोर्स लग रही है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। ये लाइन की लेंथ है जो आपको मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है। सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो जितनी सपोज करो ये लेंथ की, ये जो लाइन है इसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। तो इसका लेंथ आपको क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, और एरो जिस तरफ को है, जिस डायरेक्शन में है, वो आपको उस चीज़ की क्वांटिटी की डायरेक्शन आपको शो कर रहा है। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था आपका डिफरेंस स्केलर और वेक्टर का, और इसमें आपके फॉर्मूलाज हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं आपके साइन ए प्लस बी, वो आप पहले से पढ़ चुके हो पिछली क्लासेस में, तो बुक में एज इट इज़ दिए हुए हैं, इनको आप वहाँ से एक बार रीड कर लेना। अगर फिर भी आपको किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसका अलग से हम एक वीडियो तैयार कर लेंगे फिर। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में ये आपके इम्पोर्टेंट सारी की सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक दो, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और जितनियाँ भी हमारे यहाँ फिलिप्स और MCQ दिए होते हैं वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।